किए जाने पर भी तक टिकी है। मामले की सुनवाई 27 सितंबर को होगी और कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश न किए जाने की सूरत में भर्ती आयोग के अध्यक्ष को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। अध्यापक भर्ती घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज काफी नाराज आई और याचिका को लेकर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट नाराज होते हुए साफ तौर पर उसने आदेश दिया कि पूरे मामले में जो करप्शन हुआ है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश किया। हमारे साथ अधिवक्ता है उस्मान सिद्दीकी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ आज कोर्ट ने कहा है? देखिये, आज कोर्ट का ऑब्जर्वेशन स्टेट के अगेंस्ट में बहुत जबरदस्त था। उनके ऑब्जर्वेशन में गुस्सा भी था और करप्शन का ऑब्जर्वेशन भी था कि कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे भर्ती घोटाले में करप्शन हुआ है बाय द स्टेट अथॉरिटीज। दूसरी चीज है, कोर्ट ने कहा था कि इस पे इंक्वायरी करके इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की जाए। इंक्वायरी कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, लेकिन अभी इंक्वायरी रिपोर्ट प्रोग्रेस में नहीं आई। इसी पे कोर्ट ने कहा है कि इसको डे आफ्टर टुमारो फिक्स किया है, यानी 27 की डेट फिक्स की है और कहा कि 27 की तारीख में इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ कोर्ट सबमिट करे। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन दैट डेट सबमिट नहीं होती है तो चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल अपीयर इन पर्सन। सर, करप्शन को लेकर कोर्ट ने क्या कहा कि किस बात से करप्शन निकला है? जो कि सहायक अध्यापक भर्ती मामले में जो है कॉपीज को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और कई और निपटाएं थी उनको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या शब्द यूज किए? देखिए, आज कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन था, जिस पिटीशन पे पूरी बंच थी कोर्ट नंबर 23 में जस्टिस इरशाद अली साहब के यहाँ, तो उस बंच में उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कोर्ट में इस प्रोसीजर में सिलेक्शन प्रोसीजर में करप्शन हुआ है। इसको उन्होंने सीधा सीधा कहा और दूसरा ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है। उनके मैनेज को भी उन्होंने रिमार्क किया है। तो अभ्यर्थी के कॉपियों के बारकोड को लेकर कुछ? हाँ, ये भी बात आई है कि कुछ अभ्यर्थियों के बारकोड टैली नहीं कर रहे। उन जो कॉपी तलब की गई थी उनमें बारकोड कुछ और है, अभ्यर्थियों ने जो अपनी शीट दिखाई, अपनी कार्बन कॉपी दिखाई, उसमें बारकोड डिफरेंट है। दूसरी चीज, कार्बन कॉपी जो अभ्यर्थियों के पास है वो क्वालिफाइड की है और जब उनकी कॉपी तलब की गई तो उसमें वो फेल दिखाया गया, उसमें जीरो मार्क्स दिखाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर ये भी सुनने में आया है, ये भी बात आई है कि इन्होंने पूरी पूरी कॉपी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की है। कह सकते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर कोर्ट आज काफी नाराज दिखाई पड़ा और इस पूरे मामले में जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 27 तारीख को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि यूपी में जो सहायक अध्यापक भर्ती घोटाला हुआ था उसके मामले में यूपी सरकार पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन अमरेश शाह के साथ विशाल लखनऊ।